अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम PUBG टेस्ट गेमिंग टेस्ट करने जा रहे हैं सैमसंग के गैलेक्सी A23 का। और सबसे पहले अगर इस फ़ोन के स्पेक्स की बात करें तो इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट देखने को मिलता है और साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और आज इस पे गेमिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है A23 पे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले अगर इसके ग्राफिक्स चेक कर लें तो ग्राफिक्स आप बैलेंस विद मीडियम और स्मूथ विद हाई तक जा सकते हैं। मैक्सिमम आपको 30 फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जायरोस्कोप को भी टेस्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि जायरोस्कोप हमें कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है।
जी। तो लास्ट में अगर अपने गेमिंग का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्नैपड्रैगन 680 आपको गेमिंग के लिए ये चिपसेट नहीं है और ना ही आप गेमिंग के लिए ये बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने कभी कभार गेमिंग करनी होती है और कोई ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई प्रो लेवल का गेमर नहीं, तो फिर आपके लिए डिवाइस रेकमेंडेड है। डे टू डे यूजेज में ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगी और वैसे ओवरऑल मुझे ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिली स्नैपड्रैगन 680 के लिहाज से। जैसी परफॉर्मेंस इसमें हमें देखने को मिलती है वैसी ही, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा और पावरफुल चिपसेट होता तो डेफिनेटली वो बेटर होना था। इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये चिपसेट अंडर पावर है। बाकी ओवरऑल ये थे मेरे थॉट्स और ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।